जोहार नमस्कार किसान भाई बहनों, आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के परिसर में उपस्थित हैं। आज हम लोग जो विषय में चर्चा करने वाले हैं वो पशु के मिल्क फीवर के बारे में है। ये किसान भाइयों, मिल्क फीवर या दूध ज्वर जिसको हम कहते हैं, ये जो बीमारी है अधिक दूध देने वाली पशुओं में ही होने वाली बीमारी है। जो जानवर कम दूध देते हैं, जैसे हम देसी पशुओं नस्लों की बात करें, जैसे साहीवाल, गिर, थरपारकर, इस तरह के पशुओं में इसकी होने की संभावना कम होती है। अगर किसान भाइयों, जैसे आप HF की होलिस्टीन फ्रीजियन या जर्सी के संकर नस्ल के पशुएं रखे हैं जिनकी क्षमता 15-20 लीटर से ऊपर की होती है, या बकरी में भी अगर आप जमुनापारी, सिरोही, बीटल, बारबरी जो दूध वाले नस्लें हैं जिनकी दूध देने की क्षमता 1 kg 1.5 kg के आसपास जाती है, वहाँ पर इस दूध ज्वर या मिल्क फीवर जिसको कहते हैं इसकी होने की संभावना बढ़ती है। ये एक उपापचयी रोग है, कहें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण होने वाली रोग है ये। इसको मुख्य रूप से आप जाने तो शरीर में अगर किसी पशुओं की अचानक कैल्शियम या फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थों की मात्रा अचानक घट जाती है शरीर में, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। ये विशेष करके जो गाय भैंसें बच्चा देने के तुरंत बाद इनके अंदर 24 hours to 48 hours के आसपास में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर इस तरह के मिलते जुलते लक्षण दिखते हैं तो वो कोई दूसरे बीमारी को प्रदर्शित करते हैं। इसमें मुख्य लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा कि बच्चा देने के बाद जो गाय भैंसें होती हैं बैठ के उठने में असमर्थ रहती हैं। बाकी सभी चीज़ें एक्टिविटी नॉर्मल आपको दिखाई पड़ सकती है, जैसे आप टेम्परेचर नॉर्मल होगा या नॉर्मल से नीचे होगा, खाना पीना पशु कुछ दिनों तक करते ही रहते हैं, आँख काफ़ी धसा हुआ, सामान्य से काफ़ी अंदर धसा हुआ रहेगा, पशु बार बार उठने की कोशिश करेंगे पर ये उठ नहीं पाएंगे, उस क्रम में वो पशु काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, उनके थन पे जो कि बच्चा देने के बाद की स्थिति रहती है तो अडर काफ़ी स्वेल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा दूध का जमाव रहता है उस स्थिति में, तो पिछला पोर्शन और भी ज़्यादा भारी होते जाता है और धीरे धीरे पशु उठने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं और कई दूसरे तरह के जो परेशानियाँ होती हैं वो भी आने लगते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसी परिस्थिति आए तो आप जितना जल्दी हो सके किसी पशु चिकित्सक के मिलके इसकी उपचार अवश्य आप शुरू कराएं। इसमें आप कहें तो सबसे मुख्य रूप से कैल्शियम बोरोग्लिनेट के जो जैसे मिफेक्स या थाइकल जैसे पदार्थ मार्केट में आते हैं, तो इनको आप सिरा के द्वारा जितना जल्दी हो सके शरीर तापमान तक गर्म करके 1 से 2 बोतल चढ़ाने की कोशिश करें, तो इससे आप निजात पा सकते हैं।